गुड मॉर्निंग आर ऑप्शन। लास्ट एक पिछले वीडियो में हम लोग संयुक्त स्रोत एनर्जी यानी कंपाउंड टेलीस्कोप पढ़े थे, उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है और उसकी आवर्धक के लिए सूत्र का निर्माण किया था। आज हम आज के वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं अपवर्ती दूरदर्शी यानी रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप, जिसका देखिए मैंने फिगर बनाया है। अब इस फिगर के विषय में देखें क्या होता है। इसमें एक धात की बनी बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर अधिक फोकस दूरी व बड़े द्वार का उत्तल लेंस लगा होता है जिसे हम अदृश्यक लेंस कहते हैं। अदृश्यक लेंस कहते हैं। और इस शॉविंग नली के दूसरे सिरे पर एक पतली और छोटी नली लगी होती है। इस छोटी नली के बाहरी सिरे पर कम फोकस दूरी व छोटे द्वारा का एक उत्तल लेंस लगा होता है जिसे हम नेत्रिका कहते हैं। फिर से सुनिए द्वारा अपवर्ती दूरदर्शी में क्या होता है। एक धात की बेलनाकार नली होती है। इस बेलनाकार नली के एक सिरे पर अधिक फोकस दूरी व बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है जिसे हम अदृश्यक लेंस कहते हैं। और इस चौड़ी नली के दूसरे सिरे पर एक पतली छोटी नली लगी होती है। उस छोटी नली के बाहरी सिरे में कम फोकस दूरी व कम द्वारक का एक अन्य उत्तल लेंस लगा होता है जिसे हम नेत्रिका लेंस कहते हैं। अब हमें जिस आकाशीय पृथ्वी या बहुत दूर स्थित वस्तु को देखना होता है, उधर हम अपवर्ती दूरदर्शी का अदृश्यक लेंस रखते हैं। आप जब दूर स्थित वस्तु को अदृश्यक लेंस रखते हैं तो दूर स्थित वस्तु से आने वाली समांतर किरणें आप अदृश्यक लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर एक दूसरे को काटती हैं, उस बिंदु पर वस्तु एक ही का वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश अदृश्यक लेंस के फोकस पर होता है। इसके पश्चात अदंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा इस नेत्रिका लेंस को आगे पीछे खिसकाकर इस प्रकार समायोजित करते हैं कि ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका लेंस के प्रकाशित के ई तथा इसके प्रथम फोकस एफ ई डैश के बीच बनने लगे। जब ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका के प्रकाशित के ई तथा इसके प्रथम फोकस एफ ई डैश के बीच बनने लगता है, उस अवस्था में यह प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। अब इस ए डैश बी डैश का नेत्रिका लेंस द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब देखिए इसके सापेक्ष सीधा होगा, आभासी होगा और इससे कई गुना बड़ा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। ध्यान दीजिएगा ये आपका बीटा हो गया और ये आपका अल्फा। अब हम इसके बाद इस प्रकार क्या है, जब ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ये प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब बनता है, इस प्रकार दूर स्थित वस्तु के प्रतिबिंबों को स्पष्ट रूप से देखा जाता है। अब आते हैं इसकी आवर्धन क्षमता के लिए। देखिए आपवर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता एन पर हमारा होता है बीटा अल्फा, अर्थात अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बीटा तथा वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण अल्फा के
वन क्षमता कहते हैं। अब चूंकि अल्फा और बीटा बहुत छोटे कोण हैं, चूंकि अल्फा व बीटा बहुत छोटे कोण हैं, इसलिए बीटा इक्वल यानी अल्फा इक्वल हमारा हो जाएगा टैन अल्फा इक्वल, देखिए त्रिभुज हमारा ओ ए डैश बी डैश में ले रहे हैं, तो हमारा ये हो जाएगा ए डैश बी डैश अपान ओ ए डैश, ध्यान दीजिएगा। और बीटा इक्वल देखिए हमारा टैन बीटा इक्वल त्रिभुज हमारा आएगा ए डैश बी डैश ई में, अब ये बीटा है, बीटा के सामने की भुजा हमारी लंबवत की, अर्थात ये बनेगा हमारा ए डैश बी डैश अपान ए डैश ई। अब ये अल्फा बीटा के मान हम समीकरण एक में कर देंगे, जब एक में रखेंगे देखिए अभी क्या मिलता है, एम इक्वल ए डैश बी डैश अपान ए डैश ई, और अल्फा की जगह जब मान रखेंगे ये बन जाएगा ओ ए डैश अपान ए डैश बी डैश, ये इससे आपका कैंसिल, तो यहाँ बचा एम इक्वल ओ ए डैश अपान ए ई डैश, ये आप देखिए चित्र में आते हैं ओ से ए डैश के बीच की दूरी कितनी हमारी एफ नॉट है, ये बन जाएगा हमारा एफ नॉट अपान। आगे नेत्रिका है, नेत्रिका के देखिए ये ए डैश की, ए डैश की क्या है ये दूरी यू ई है, तो ये बन गया हमारा माइनस यू ई, ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा हमारा एम इक्वल एफ माइनस का एफ नॉट अपान यू ई। ये देखिए दूरदर्शी की आवर्धन का व्यापक सूत्र है। अब इसके बाद हमारी दो स्थितियां शुरू होती हैं, पहली स्थिति है जब अंतिम प्रतिबिंब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर तो देखिए इस अवस्था में क्या होता है, हमारा डी इक्वल हो जाएगा कितना माइनस डी कॉमा यू बराबर हो जाएगा माइनस डी और एफ इक्वल हो जाएगा एफ देखिएगा। आप लेंस के सूत्र से आ जाते हैं, लेंस के सूत्र से देखें, अब लेंस का फार्मूला हमारा वन अपान एफ ई हो जाएगा इक्वल वन अपान माइनस डी और प्लस वन अपान यू ई। अब इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो हमारा बनेगा वन अपान यू ई इक्वल हो जाएगा वन अपान एफ ई और प्लस वन अपान यू। अब इसमें हम वन अपान एफ ई कॉमन ले लेंगे, ये समीकरण नंबर हमारा दो था। आज इस वन अपान यू ई का मान समीकरण दो में रखना है, जब दो में रखेंगे इस वन अपान यू ई का मान समीकरण दो में रखने पर, जब दो में रखेंगे तो देखिए बच्चों का ये काम है, ये एम इक्वल माइनस
प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनता है। देखिए ढंग से दूसरा पार्ट है हमारा क्या अंतिम प्रतिबिंब लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।